हमारे देश में बहुत सारी नासमझियां चल रही हैं और चल ही नहीं रही, वो बिक भी रही हैं। बहुत अच्छे ढंग से नासमझियों को बेचा जा रहा है और ख़रीदने वाले भी हम सब लोग ही हैं। मुझे किस्सा याद आता है, जुलाई का महीना, भरी दोपहरी, और उस दोपहरी में मैंने देखा कि एक लड़का रहा होगा कोई 20-22 बरस का, कोट पैंट पहने हुए, टाई लगाई हुई, पसीनों से भीगा हुआ, बार बार माथे का पसीना पहुँचे, रुमाल निकाले, बेचैन, कभी टाई को ढीला करे, कभी फिर कसे, बाग में बैठा था। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि क्या आज तुम्हारा विवाह है, तो वो थोड़ा सा हैरान होकर मुझे देखने लगा, बोला आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि आज मेरा विवाह है। मैंने कहा इस देश में ज़्यादातर लोग विवाह पर कोट पैंट टाई और ये सब कसे होते हैं, ज़्यादातर, तो मुझे लगा शायद आज तुम्हारा विवाह हो। तो उसने कहा जी नहीं, विवाह नहीं है मेरा। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी क्या मजबूरी है कि इस लू के अंदर तुमने ये सूट बूट पहना हुआ है, टाई कसी हुई है। उसने कहा जी मैं एक कंपनी का सेल्समैन हूँ और कंपनी का ये ऑर्डर है कि हमें बाज़ार में अपने प्रोडक्ट की जो पब्लिसिटी के लिए जाना है तो कोट पैंट और टाई लगा कर जाना है, इससे व्यक्ति जेंटलमैन लगता है, कोई उसको चोर उचक्का उठाई गिरा नहीं समझेगा, समझेगा कि वो पढ़ा लिखा आदमी है। तो मुझे एक नए ही अध्याय का पता लगा कि पढ़ा लिखा होने का मतलब है दिखने का मतलब, कि आपने कोट पैंट टाई ये सब लगाई हुई हो, क्लीन शेव हो, आप चमचमाता चेहरा हो, तो दूसरा आदमी आपको भला मानुस समझेगा। तो तभी मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि जो हमारी कार बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी मुझे कुछ इसी तरह की लगी। मैंने देखे कार के नए नए आते मॉडल और उन मॉडल्स में जो कार का विंड स्क्रीन होता है, सामने वाला शीशा, ड्राइविंग सीट के सामने वाला शीशा, वो बिल्कुल तिरछा होता है, ऊपर तक जाता हुआ, और बहुत बड़ा भाग अब कार की कंपनियां आगे के शीशे का बड़ा बनाने लगी हैं, बिल्कुल ऐसे झुका हुआ ऐसे, जबकि हमारे भारत जैसे गर्म देश के लिए ऐसी कारें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। यहाँ 9 महीने गर्मी के होते हैं और सूरज सिर पर पूरा चमचमाता रहता है और वो कार का शीशा आगे का जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा कार अंदर से भट्ठी बनी होगी। पहले कारें आती थी बहुत पहले जिनके शीशे सीधे हुआ करते थे, टेढ़े नहीं, बिल्कुल ऐसे खड़े शीशे, और उनकी छत के ऊपर आगे एक शेड लगा होता था। मुझे याद है मेरे पास बहुत पहले कार हुआ करती थी फीएट कंपनी की पद्मनी मॉडल, जैसे एम्बेसडर कार है, तो ये जो फीएट एम्बेसडर कार थी ये भारतीय मौसम के हिसाब से बनाई गई थी, ये गर्म देश है, जब शीशा खड़ा होगा तो सूर्य की सीधी किरणें बहुत कम अंदर आएंगी, कार ठंडी रहेगी। और इन पुरानी कारों के अंदर साइड में एक खिड़की बनी होती थी छोटी सी, जिसको आप खोल दें तो वो त्रिभुज के तरह की ट्राइंगल उस शेप की खिड़की होती थी, उसे आप खोल देंगे तो सारी बाहर की जो हवा है, ताज़ी हवा, वो कार के अंदर आती थी। आजकल ऐसी खिड़कियां नहीं बनती और आजकल तो कारें ही ऐसी बनती हैं जिनकी खिड़की खोलने की आवश्यकता है। तो मैंने कार कंपनी से पूछा जाकर कि तुम्हारी सारी कारों के शीशे ऐसे क्यों होते हैं, बिल्कुल स्लांटिंग, लेटे हुए। तो उसने कहा जी इससे ना कार की स्पीड पर फर्क पड़ता है, साइंटिफिकली हम कार को जितना टेपर में रखेंगे उसके शीशे को, कार उतनी तेज भागेगी। मैंने कहा ये तो बात तुम्हारी ठीक है, पर इस देश में कार को कितना तेज भगाने का तुम्हारा इरादा है, क्या तुम 200 मील की रफ्तार से भगाना चाहते हो? जिन देशों के लिए कार डिजाइन की गई वहाँ पर कारें
50-50 मील तक बिना रुके 150-200 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। इस देश में 60 से ऊपर चलने पर तो सड़कें ही अनुमति नहीं देती, तो कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि टेपर के अंदर शीशे बनाए जाएं इस गर्म देश में और पूरी कार गर्म हो जाए। ये इस देश के लिए नहीं है, वो सिर्फ सौंदर्य के लिए। ठंडे प्रदेशों में ऐसी कारें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ सूरज कभी कभी निकलता है, और जब कभी सूरज निकले कार के अंदर जाए, थोड़ी सूर्य की किरणें पड़े अंदर। लेकिन इस गर्म देश में वो कारें बनाई जा रही हैं जो ठंडे प्रदेशों के लिए, और खूब बिक रही हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि इस देश में बहुत सारी नासमझियां चल रही हैं और वो बिक रही हैं बिना सोचे समझे। वे कारें बंद हो गई जो भारतीय परिस्थिति के अनुसार बनी थी, लोगों ने उनको लेना बंद कर दिया, अब वो एक एंटीक होकर रह गई हैं। तो इस पर विचार करें कि कौन कौन सी वो नासमझियां हैं जिन्हें हम आँख मीच कर स्वीकार करते जा रहे हैं।